माइक टेस्ट ए बी बी वाई। एक एंटरप्रेन्योर होने का मतलब क्या होता है? आज देश में जहाँ स्टार्टअप, ई कॉमर्स, हाइपर लोकल और यूट्यूब जैसी चीज़ें बूम पर हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए घर वालों को ब्लेम कर रहा है, हर दूसरा इंसान आज खुद को एक एंटरप्रेन्योर क्लेम कर रहा है। लेकिन कौन होता है एक सच्चा एंटरप्रेन्योर? कभी सोचा है यार? एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपने 5 साल प्लान कर रहा होता है, जब बाकी लोग अपने वीकेंड्स प्लान करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की जिद होती है कामयाबी, एक एंटरप्रेन्योर की मजबूरी होती है कामयाबी, एक एंटरप्रेन्योर का नशा होती है कामयाबी। एक एंटरप्रेन्योर के जहन में बस एक ही बात होती है, दैट आई विल बी सक्सेसफुल, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। उसको जलना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है, जिसके बारे में सोच के लोगों की फट जाती है, उसको हर वो काम करना पड़ता है। उस चीज़ को रियलिटी बनाना होगा जो बाकी लोग सुन के ही कहेंगे, साला ये तो हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। उस टाइम वो बोलेगा, दैट आई एम पॉसिबल। अपने अंदर वो जज्बा लेके आओ, वो बार बार गिर के उठने का जज्बा, वो जुनून कि जब वजूद के मिटने पे आए बात, तो दिखा सको दुनिया को अपनी औकात। क्योंकि जिसके सर पर होता है उसका हाथ, किस्मत भी हो लेती है उसके साथ। वो या तो जीत जाएगा या कुछ नया सीख जाएगा। ज़िंदगी में बस यही दो चीज़ें तो होती हैं यार। एक एंटरप्रेन्योर को ये बात पता होती है कि उसके इरादों का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, वो कुछ नया सीख जाए लेकिन कभी हार नहीं सकता। जिस टाइम उसको लगा कि वो हार चुका है, गेम ओवर, वो एक्शन लेगा जब दुनिया सोचती रहेगी, वो कामयाब बनेगा, दुनिया बस बाल नोचती रहेगी। वो कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत करेगा जब बाकी लोग 9 to 7 जॉब के जाल में फंसे रहेंगे। वो सैक्रिफाइस करेगा जब दुनिया EMI पे iPhone 7 लेने का प्लान करेगी। वो बिना सैलरी के, बिना रुके काम करेगा जब दुनिया सेविंग कर करके अपनी EMIs भरेगी। वो अपने कॉम्पिटिशन को एनालाइज करेगा जब दुनिया टिंडर पे राइट स्वाइप करेगी। वो अपना बिजनेस प्लान लिखेगा जब दुनिया बाबू आई लव यू अपने फ़ोन पर टाइप करेगी। वो अपनी किस्मत का राजा होगा, अपने विज़न का गुलाम होगा। दुनिया उसको देख के मोटिवेट होगी क्योंकि एक दिन उसका भी नाम होगा। बोलता उसका काम होगा, सबकी ज़ुबान पे बस सलाम होगा। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर होगी उसके पास, हर एक ऐशो आराम का इंतज़ाम होगा। जी फॉर गर्लफ्रेंड नहीं, जी फॉर गोल्स होगी उसकी प्रायोरिटी। हमेशा भूखा, कभी सेटिस्फाई ना होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं रुकेगा। वो क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी को फ्यूल बना के यूज़ करेगा अपने अगले टारगेट्स की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अच्छे वक्त में विनम्र, दुनिया को बदलने के लिए बेसब्र। सचिन बंसल, कुणाल बहल, विजय शेखर शर्मा, रितेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल, इन सबको पता था कि साला एक दिन किस्मत चमकेगी यार, और जब चमकेगी तो सबके तोते उड़ जाएंगे। ये कार देख रहे हो, ये है मेरी ड्रीम कार। आजकल जब लोग 4-5 लाख रुपए की वैगनार में बैठ के खुद पे अभिमान करने लगते हैं ना, और रिक्शे वालों और ऑटो वालों के सामने धौंस जमाते हैं, इस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ है। और मुझे कॉन्फिडेंस है दैट वेरी सून आई एम गोना ओन दिस कार, आई एम गोना ड्राइव दिस कार। लोग बातें करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, दिल्ली की सड़कों पे इस गाड़ी को दौड़ाऊंगा। क्योंकि देखे थे जो सपने, आज उनके करीब हूँ, खुद ही बनाया मैंने वैसा नसीब हूँ। सबने कहा इम्पॉसिबल है यार, सोच लिया मैंने अब मैं हूँ तैयार। लोग क्या कहेंगे, कपूर साहब के सोचेंगे, देख के जुनून मेरा अपने बाल नोचेंगे। बनूंगा कामयाब, हम मन में विश्वास है, आलस से हूँ दूर, बस जीतने की प्यास है। कुछ आस है ये खास है, बस जीतने की प्यास है। अब मन में ना गुरूर है, ईगो भी कोसों दूर है, हेटर्स मेरे सारे जलने पे मजबूर है। अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, बस स्लो नहीं होना मुझे, मंजिल थोड़ी दूर है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल थोड़ी सी दूर है, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबकी हेल्प करो यार। क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो अपना इंडिया ग्रेट बनेगा ना। क्योंकि हम यूथ्स में ही वो ताकत है कि इस देश को, इस पृथ्वी का सबसे बेस्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके भाई, जितना हो सके दबा के शेयर करो। चाहे तो अपने चैनल पर री अपलोड मार दो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई कॉपीराइट क्लेम करने नहीं आने वाला। और बस लास्ट में ये बोलूँगा कि विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ। No!
नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं। हा